भाई क्या करूं यार, साला दिमाग खराब हो रखा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई कैसे भी करके मुझे इन पैसों का बंदोबस्त करना होगा यार, मैं सारा का सारा बोझ घर वालों पर नहीं डालना चाहता। देख यार, पैसों का जुगाड़मेंट तो हो जाएगा, एक काम है, करेगा क्या? काम क्या है यार? तुझे ना तेरे पूरे पैसे मिल जाएंगे और तुझे ना घर वालों के ऊपर भी बर्डन नहीं डालना पड़ेगा। और भाई काम क्या यार? देख करण, तुझे एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्डर लेना पड़ेगा। तू केमिस्ट तो है ही और तेरे पास नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है, बस तुझे ना बस एक ड्रग मैन्युफैक्चर करनी है यार। ड्रग? इसमें कौन सी बड़ी बात है, हो जाएगा। कौन से ब्रांड के अंडर है? अरे नहीं भाई, किसी मेडिसिन वाली ड्रग नहीं है। नहीं यार, ये सही नहीं है। वैसे भी मैं कोई गलत काम करके इस काम के लिए ये पैसे इकट्ठे नहीं करना चाहता। अरे यार करण, किसी को कुछ पता नहीं चलने वाला है और तुझे सारा सामान तेरे घर पर मिल जाएगा, बस तुझे रात लगाकर सुबह सुबह मुझे सारी डिलीवरी देनी है और तुझे इसके अच्छे खासे पैसे भी मिल जाएंगे। कितने? यही तकरीबन 7 से 10 लाख। यार वो सब तो ठीक है, पर देख यार, अगर तू ये नहीं काम कर सकता ना तो साफ साफ मना कर दे। वैसे भी मुझे इस काम के लिए एक भरोसेमंद आदमी, पर तू तेरी जगह भी ठीक है। ठीक है यार, मैं इस काम के लिए किसी और को ही। नहीं नहीं नहीं, 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 नहीं। मैं करूंगा, और वैसे भी इतनी जल्दी इतने पैसों का बंदोबस्त नहीं हो पाएगा, देखी जाएगी। सोच ले, कर पाएगा कि नहीं? हाँ यार कर लूंगा। अरे यार इतनी टेंशन मत ले, तुझे शाम 5 से 6 बजे के बीच में सारा का सारा सामान मिल जाएगा। तुझे बस सब कुछ तैयार करना है और सुबह 10 बजे मैं आऊंगा, मुझे पकड़ा दे। ठीक है फिर चलता हूँ। कहाँ जा रही है? अरे ट्रेन के पास, आ जाऊंगी जल्दी। यार ये बात गलत है, मम्मा पापा घर पे नहीं है तो उसका नाजायज फायदा उठाएगी। आप भी तो अपने ट्रेन के पास जा रही हो, कल भी गए थे। बाय। यार घर जल्दी आ जाना। यार इतनी टेंशन मत ले, फट रही है क्या तेरी? बकवास मत कर, ले और जा। अरे यार तूने कुछ गलत नहीं किया, इतनी टेंशन मत ले, ठीक है? और तेरे सारे पैसे तो शाम तक मिल जाएंगे। ओके चलता हूँ। Okay.
कैसे होगा सब, डर से लगता है। डर के आगे जीत है, मुझसे पूछिए। भाई तू तो रहन दे, थैंक यू। वैसे यार प्रिया बस 2 दिन रह गए तेरे जाने में। शिट मैन, सच्ची में यार सीखो कुछ। एक सेकंड, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी जो 2 दिन बाकी बचे हैं उसमें हम खुलकर पार्टी तो कर लें। सीख लिया। अच्छा जी, तुम तो बात ही मत करो। अरे यार प्रिया मस्ती कर रहा हूँ, वो भी ना करूँ क्या? अच्छा प्रिया, लंदन जाके तुम्हें कोई और पसंद आ गया तो? एक सेकंड, इसका रिप्लाई मैं करूँगा। फिर इसकी हालत ऐसी होगी देवदास। ऐसा कुछ नहीं होगा। बिल्कुल भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये समझ, पर बाकी सब चीजों को कैसे हैंडल करूंगी वो समझ में नहीं आता। डर सा लगता है, रिस्क लेने से फिर सोचती हूँ नहीं जाऊँ। पागल है। अच्छा एक बात बता, तुम लोग भी बताओ। बोल। What is important in life? You. तुम नहीं, प्रिया यू से, and personal life में नहीं, professionally. Success, right? Right? Yeah. तो success is most important in life? Yeah. No. How does success come? When you take good decisions. So good decisions are more important in life, right? Yeah. No. How are you able to take good decisions? By experience. So basically experience are more important in life, right? Is bar haan. So experience is most important in life, right? Haan ji. No. How does experience come? When you take bad decisions. So basically bad decisions are more important in life. Yeah. No. How do you take bad decisions? Risk. So the important thing is risk. So take it and बिल्कुल, इस बार सही चीज बोल दी है लड़की। बिल्कुल सही। अगर तुम लाइफ में रिस्क नहीं लोगे तो कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। ओह, ये तूने बोला। मस्ती मत कर अभी। वैसे तो तुम्हें मेरी याद भी नहीं आएगी, तुम तो इसी में 24 घंटे डूबे रहोगे। अरे यार प्रिया ये गलत है यार, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। अच्छा वो सब छोड़, देख तूने जाने की सारी तैयारी कर ली है ना, बस वहाँ पे ना किसी से फालतू पंगे मत लेना। और हाँ, रात को कहीं अगर बाहर जा रही है तो वक्त रहते वापस आ जाना, मतलब वहाँ पे कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, पर बस तू अपना ध्यान रख। आज तो बड़ी फिक्र हो रही है। तो नहीं होनी चाहिए। वो बच्ची थोड़ी ना हूं, मैं सब कुछ संभाल लूंगी, टेंशन मत लो। आई नो बेबी, पर पता है मैं क्या चाहता हूँ? कि तू अपने लाइफ में कुछ करे, बस मेरी तरह ना बने। यार दोबारा बोलना नहीं है ऐसी चीज, तुम खुद नहीं जानते हो कि तुम्हारे पास क्या है। मैं जो कुछ भी हूँ वो तो तुम्हारी वजह से हूँ। आज मैं अगर पढ़ने के लिए जा भी रही हूँ वो तो तुम्हारी और भैया की वजह से ही। तो देखो मैं जो भी कुछ कर रही हूँ हम दोनों के लिए कर रही हूँ। अरे यार प्रिया ये सब ठीक है पर ओए अंकल, 2 सालों के लिए तो जा रही हूँ, क्या हुआ? अच्छा चल छोड़ ये सब, पर ना एक चीज हमेशा याद रखना, ट्रस्ट द टाइमिंग ऑफ योर लाइफ, एज लाइफ टीचर्स अस टू मेक गुड यूज ऑफ टाइम एंड
time teaches us the value of life. I know. I love you. Yes. जल्दी से आ जाओ. अच्छा. By the way, मैं तो सारी planning करके बैठी हूँ. 2 साल बाद आऊँगी. फिर अपनी शादी होगी. अच्छा. और उसके बाद फिर हर महीने हनीमून भी होगा. और फिर 1 साल बाद एक बच्चा भी होगा. और फिर दूसरे साल बाद एक और बच्चा होगा. फिर एक और. फिर एक और. छी, पागल हो क्या? ओ हेलो लव बर्ड्स, क्या चल रहा है? कुछ नहीं, बस वही जो हमारे बीच नहीं चलता. अच्छा जी, वैसे आज मेरा पार्टी करने का पूरा मन. पार्टी तो बनती है. वैसे प्रिया, तूने कभी हमारी ड्रिंक ट्राई नहीं की ना? ना. ओ हेलो, करनी भी नहीं है. पर आज तो मैं करूंगी. वो तुम लोग क्या डालते हो ना, टैबलेट सी. क्यों, किस लिए? तो सुन ना, ये फालतू के बकवास ना कर. अरे अगर उसका मन है तो करने देना यार. हाँ, पर लत नहीं लगनी चाहिए. और वैसे भी लाइफ में एक बार तो ट्राई करना चाहिए. एक बार करने से कुछ नहीं होता यार. अरे यार ये गलत है यार. कुछ गलत नहीं है, सिर्फ एक बार ट्राई तो करनी है. लाओ दो. ना 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 ना, अपनी ड्रिंक ना. इट्स ओके, 2 टैबलेट दो. प्रिया यार, सच्ची? हाँ सच्ची बाबा. अरे दो ना. सुन, हाफ ही डालना है. अबे क्या करिए, पूरा तो मैं भी नहीं डालता. इट्स ओके, कुछ you
हाँ।